भीड़ की स्थिति को देखते हुए वाहन को रोक दिया जाएगा, सिर्फ पैदल खाली ये जैसे भीड़ की स्थिति मैंने बताई धर्मशाला में पाँच मिनट के न सब सारा बंद होगा, वाहन से डिस्टर्बेंस होता है। क्या सर अष्टमी और नवमी के दिन भारी भीड़ को देखते हुए सर पुलिस की ओर से क्या कराई जा रही है? अतिरिक्त बल हाँ जिला की तरफ से यहाँ पे दिया गया है, करीब 15 से 16 स्थानों पे हर जगह पर अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा हमारी QRT है, जिला के जो उच्च पदाधिकारी है वो भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो हमारी पूरी तैयारी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि शांति से ही सब। महिला श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ महिला कांस्टेबल भी किए जाएंगे? महिला कांस्टेबल ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, अगर आपको गौर कीजिएगा तो मंदिर में पहले से तैनात है। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे रिजर्व में भी महिला कांस्टेबल्स हैं, क्योंकि स्थिति के हिसाब से उनका डिप्लॉय किया गया। नहीं, हम तो अभी आप नहीं देखने भी आए थे कि सब लोग डिप्लॉयड हैं, लगभग सबकी उपस्थिति है, क्योंकि जो पारी होती है बंधी हुई होती है, कुछ लोग रहते हैं कुछ लोग बीच में रहते हैं। नवमी के दिन सर भारी भीड़ उमड़ती है, तो उसमें लोगों का सड़क मार्ग और रेल मार्ग से आना जाना होता है, तो खास करके वाहन जो फंसने की समस्या है वो जाम बहुत लगती है, तो क्या इसके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है लखीसराय पुलिस द्वारा? हाँ, बढ़िया में वैसे भी आम दिनों में भी जाम लगा रहता है, पूजा को देखते हुए जो अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है, बेसिकली ये एक्सेस कंट्रोल जो है उसी के लिए ही किया गया है, पब्लिक का आवागमन जो है वो निर्बाध रूप से बना रहे। तो जो अतिरिक्त बल की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका मुख्य काम यही है कि यातायात को देखे और आवागमन को बंद करें। ये सर एक चीज़ है, ये पथ में अति क्रमण लोग बहुत श्रद्धालुओं को तो बहुत प्रॉब्लम होता है और चौक पर आवागमन, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली ये तो तत्कालीन परिस्थिति में संदर्भ में चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो अपना इस इलाके के DM हुए, कार्यपालक जो पदाधिकारी हुए, सबके संज्ञान में है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, कार्य योजना बन रही है, पर ये एक लंबी प्रक्रिया है, समय से ही होगा।